हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन क्रिएटिव एक्टिविटी। आज आप एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल में पिक्चर में किस तरह से सॉफ्ट एज को अप्लाई किया जाता है और पिक्चर में किस तरह से ग्लो लाया जाता है, ये सीखेंगे। चलिए मैं शुरू कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने कुछ पिक्चर्स इंसर्ट किया हुआ है। पिक्चर को किस तरह से इंसर्ट किया जाता है ये मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखें। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अभी मैं जूम कर ले रही हूँ और फर्स्ट पिक्चर में मैं ग्लो अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। मेनू बार से फॉर्मेट टैब पे क्लिक करें और यहाँ से पिक्चर्स इफेक्ट्स पे क्लिक करें। यहाँ ग्लो का ऑप्शन है, ये देख सकते हैं आप, इसमें हर तरह के ग्लो है। बैक में अलग अलग तरह के कलर हैं, आपको जो भी डालना है वो आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ग्लो का कलर यहाँ पे डाला लाइट ब्लू। एक और इमेज में मैं यही चीज करके दिखा दे रही हूँ। इमेज को सिलेक्ट कर ले, इसके बाद पिक्चर इफेक्ट्स पे क्लिक करें और यहाँ से आप ग्लो के ऑप्शन में जाएं। यहाँ से ग्लो का मेनू ओपन हो जाएगा। एक चीज का आप ध्यान रखें कि जो फर्स्ट में ग्लो है वो 5 पॉइंट का ग्लो है और जो सेकंड में है वो 8 पॉइंट का ग्लो है। कलर सेम है, ऑरेंज कलर चल रहा है, और जो नेक्स्ट है वो 11 पॉइंट का ग्लो है। आप कुछ और भी ग्लो का ऑप्शन चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। ये मैंने ग्लो ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे एक टास्क पेन ओपन हो गया फॉर्मेट पिक्चर का। अब मैं यहाँ से प्रीसेट ग्लो को सेट कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे 8 पॉइंट ग्लो को सेट कर रही हूँ और इसके कलर को भी मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। इसके कलर को भी मैं अलग कर रही हूँ, ये मैंने इसमें पर्पल डाल दिया। इसके ट्रांसपेरेंसी को आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखें, ये पिक्चर जो है, जो कि स्काई ब्लू में है, वो ट्रांसपेरेंसी में ज्यादा लाइट है और इसका ट्रांसपेरेंसी कम है, इसलिए ये आपको थोड़ा उभरा हुआ दिख रहा है। यानी कि जो पर्पल मैंने अप्लाई किया है वो ज्यादा दिख रहा है कलर। अभी मैं इसके ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा रही हूँ। देखिए, ये शेड इसका लाइट होते जा रहा है। अभी शेड लाइट हो गया। इस तरह से आप ग्लो में चेंजेस कर सकते हैं और इसके पॉइंट को आप ज्यादा या कम भी कर सकते हैं। ठीक है, 20 पॉइंट मैंने कर दिया। अभी अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सॉफ्ट एज को आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। मैं नीचे के पिक्चर में, यानी कि नेक्स्ट वाले पिक्चर में सॉफ्ट एज अप्लाई कर रही हूँ। पहले मैंने पिक्चर को सिलेक्ट कर लिया। अभी मैं फॉर्मेट टैब के पिक्चर इफेक्ट्स ऑप्शन पे क्लिक कर रही हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये सॉफ्ट एज का ऑप्शन है। ये सॉफ्ट एज अगर अप्लाई करते हैं तो पिक्चर के चारों तरफ से आपका पिक्चर थोड़ा लाइट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये है एक पिक्चर जो कि सॉफ्ट एज अप्लाई किया हुआ है और ये है नॉर्मल पिक्चर। ये दोनों में क्या अंतर है आप देख लीजिए। ये चारों तरफ से हल्का हल्का ब्लर हो जाता है, यानी कि इसमें थोड़ा धुंधलापन आ जाता है। इस सॉफ्ट एज को आप और ज्यादा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और ये जो फॉर्मेट शेप का टास्क पेन ओपन हुआ था फॉर्मेट पिक्चर का, यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं सॉफ्ट एज को। 50 पॉइंट है, अगर मैंने 50 पॉइंट किया तो देखिए ये पिक्चर कैसा हो गया। इस तरह से आप इसके साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये हो गया सॉफ्ट एज और ये है ग्लो। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने पिक्चर में या इमेज में सॉफ्ट एज को भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्लो को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करें, ताकि वो भी घर बैठे आसानी से DCA फुल कंप्यूटर कोर्स को हिंदी में सीख सकें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा इस तरह के वीडियोस देखते रहें तो बेल आइकन
जरूर प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से मैं जितने भी नए नए वीडियोस अपलोड करूंगी वो सभी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू रिसेंटली मिल जाएंगे। आप वहां से उसे देख सकते हैं और डीसीए फुल कंप्यूटर कोर्स को फ्री में कहीं पे भी रहकर सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।